हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शोभा बिहारी सिवानगिरी से। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है शोभा की रसोई। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने किचन में। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ तो आप सभी को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं बनाऊँगी सूजी से फूल बनाऊँगी। और यहाँ पर हमने सूजी को मोड़ दिए। देखिए दूध में हमने से अच्छे से इसको मोड़े। देखिए कितना बढ़िया सूजी हमारा सॉफ्ट हो गया है। देखो कितना बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। तो हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, इतनी ज़्यादा रखना है। यहाँ पे हमने चीनी लिए हैं, चीनी को इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे हमने सारी फ्रूट को, काजू, किशमिश, सूखा नारियल और बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटे हैं, तो इसको भी डाल देते हैं। यहाँ पे हमने इलायची पाउडर बनाए हैं, इसको भी डाल लेते हैं। और अच्छे से इसे हम घोल लेते हैं, मिला लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमने सूजी की पुआ बना रहे हैं। गाँव के बच्चों सबको बहुत पसंद आता है, तो इसलिए बना रहे हैं। तो आप लोग एक बार जरूर से जरूर अपने घर पर बनाइएगा और खाइएगा। देखिए दोस्तों, हमने इसे घोल बना लिए हैं। बढ़िया सारे फूड चीनी और दूध को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। हम ये सूजी और दूध को एक घंटा पहले भिगो कर रखे थे, तो बढ़िया देखिए ये सॉफ्ट हो गया है। चलिए इसे हमें किचन में चलते हैं और पुआ बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो को पूरे घंटे देखते रहिएगा, हमारे चैनल पर बना रहिएगा, ताकि आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये पुआ बनाना। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं रिफाइंड तेल। देखिए और हम इसे पुआ बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमने सूजी की पुआ बना रहे हैं। तो एक बार जरूर से जरूर अपने घर पर ट्राई कीजिएगा और खाइएगा और बच्चों को खिलाइएगा। तो हमारे बच्चों को बहुत पसंद आता है सूजी का पुआ, तो हम इसीलिए बना रही हूँ। हमारे बच्चों आए हैं सब होली की छुट्टी में, तो जा रहे हैं आज, तो अब बना रहे हैं। बोल रहे हैं लोग कि मम्मी बना दो सूजी का पुआ, तो हम खा कर के जाएँगे, तो इसीलिए बना रही हूँ। तो देखते रहिएगा। देखिए हमारा तेल ही गर्म हो गया है, इसमें हम डाल रहे हैं। एक बेर में दो दो दूध बनाना है हमें, ज़्यादा ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो हमारे पुआ अच्छा नहीं बनेगा, ख़राब हो जाएगा। तो एक बार डाल दिए हम, तो दो मिनट के बाद डालेंगे, क्योंकि थोड़ा वो पक जाए, नहीं तो एक दूसरे में चिपक जाएगा तो अच्छा नहीं होगा पुआ। ये दो मिनट के बाद डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ये कितना बढ़िया हमने बना रहे हैं। एक साइड से हम कलर दिए हैं, देखिए और दूसरे से हम कलर कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर हमारा ये पूरा कलर कलर बन रहा है, बता रहे हैं आप लोग। देखिए देखिए कितना सुंदर फूल बन रहा है, कितना बढ़िया देखने में लग रहा है। इसी तरह अपने घर पर एक बार जरूर से जरूर बनाइएगा और सूजी का पुआ खाइएगा। इसमें कुछ मैदा वगैरह नहीं डाले हैं, सिर्फ सूजी से बना रहे हैं ये पुआ। खाने वाला सोडा भी नहीं डाले हैं इसमें। देखिए कितना सुंदर, एक घंटा पहले इसे रख दिए हैं। तो देखिए कितना सुंदर हमारा ये सूजी सॉफ्ट हो गया है, पुआ हमारा अब बढ़िया से बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, कोई रेसिपी बनाते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है, तो हमारा मन खुश हो जाता है और आप लोग के साथ भी शेयर खुशी से करते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिएगा, हमारे चैनल को मन रहिएगा, ताकि आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकूं। देखिए इसी तरह हम सारे पुए को बना करके रख लेंगे, उसके बाद आप लोग को दिखाएँगे। देखिए दोस्तों, हमने सूजी के पुए बना लिए। देखिए कितना बढ़िया हमने बनाए हैं, सारे पुए को बनाए गए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं, थोड़ा सा बनाए हैं और बहुत बढ़िया बनाए हैं, बहुत टेस्टी बनाए हैं। तो हमने खाने के लिए सोच लिए हैं।
सूजी दोस्तों हमने पूरे सूजी से पूरा बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी बनाया है, तो अपने घर पर एक बार जरूर से जरूर बनाइएगा और बच्चों को खिलाइएगा। बहुत टेस्टी बनाए हैं, बाहर आए हुए मेहमानों को खिलाइए तो करने की कमी नहीं होगी। हमारे वीडियो को अपने पूरे आम पर देखते रहिएगा। हमारे वीडियो को लोगों पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ढेर तरह शेयर करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।